अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। जिस तरह से इस देश में 2014 से हिंदू और मुसलमानों की राजनीति चल रही थी, अब आकर के एक भीषण रूप ले लिया है। और जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जाए, मुसलमानों ही नहीं, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अन्य ब्राह्मण दलित जो भी है, लोगों का ऐसा अंदर से निकल के आता है कि हम खुश नहीं हैं। लेकिन एक सबसे जो इसमें जुझारू मुद्दा है, देश में एक दूसरे के ऊपर वोटिंग हो रही है, एक दूसरे के ऊपर लड़ रहे हैं लोग, वो है वक्फ बोर्ड। हमारे साथ अमितेश जी मौजूद हैं जो बिहार से हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और चंद्रशेखर आजाद जी का इस पर बयान आया है कि वक्फ बोर्ड को, जो वक्फ बोर्ड बिल है, इसको वापस लिया जाए नहीं तो पूरे देश में हम बड़े बड़े आंदोलन करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या कहना चाहेंगे अमितेश जी? जी बिल्कुल, देखिए वक्फ बोर्ड जो है इसका विरोध करना चाहिए पूरे देशवासियों को। मैं कहना चाहूंगा, बार बार कहता आया हूं कि वक्फ बोर्ड देश के मुसलमानों का हक है, अधिकार है, और इसकी और अगर कोई इसकी ओर उंगली उठाएगा तो उसे मितेश पांडे से होकर के गुजरना पड़ेगा। लेकिन जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उसमें बीजेपी के लोग या देश के ही कुछ लोग हैं, अब ये नहीं पता है कौन है। वो लोग बोल रहे हैं कि हमारी जमीन है, हमारे पूर्वजों की जमीन है, इन लोगों, ये लोग आए 600-700 साल पहले और इसको कब्जा कर लिए। अब ये कोई मतलब नहीं ना हुआ कि 600 साल पहले आए, 700 साल पहले आए, 1000 साल पहले आए। अब दिल्ली में साहब मेट्रो बनी है तो मेट्रो की जो जमीन है वो भी आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले किसी न किसी की जमीन होगी, उसको सरकार ने लिया। अब अभी जाके क्लेम करने लगे कि जमीन हमारी है तो ये ठीक है। आप बताइए, वक्फ का मतलब होता है रेकी या फिर रखना। और आप बताइए कि अगर ये माइक आपने हमको दान दे दिया तो फिर माइक आपकी हो गई? नहीं हुई ना, हमारी हो गई ना। तो उसी तरह से आपको हम बता रहे हैं बार बार, अब ये फोन है हमारा, अब अपने फोन को हम दान दे दें तो ये फोन किसका हो जाएगा, हमारा रहेगा या आपका हो जाएगा? जिसको दे दिया जाता है उसका हो, जिसको दे दिया जाता है उसका हो गया। तो ये वही चीज हम आपको बार बार कह रहे हैं कि वक्फ की जो जमीन है वो देश के मुसलमानों की है और देश के मुसलमानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसी को लेकर के चंद्रशेखर आजाद जी का बयान आया है कि हम पूरे देश में बड़े बड़े आंदोलन करेंगे और हम इसको किसी भी कीमत पे पास नहीं होने देंगे, अगर पास हुआ तो आंदोलन करेंगे। क्या कैसे देखते हैं उनके बयान? देखिए बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए। वक्फ का जो बिल है इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। वक्फ बोर्ड देश के मुसलमानों का हक है, अधिकार है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि वक्फ की जमीन के तरफ अगर कोई भी अपना गलत नजर दिखाता है, गलत मंसूबा से उनके तरफ देखता है तो उसे मितेश पांडे से होकर के गुजरना होगा। आप भी एक ब्राह्मण है और बिल्कुल उसका विरोध करें, लेकिन एक कौन लोग हैं जो देश में एक तरह से एक मुद्दा बनाना चाहते हैं इसको खत्म करना? वो भाजपा के लोग हैं, इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे देश का मुसलमान खुश रहे, सुरक्षित रहे, हमारे देश के मुसलमानों को तालीम देने के लिए मदरसे बनाए जाए। वो लोग नहीं चाहते हैं कि अच्छे अच्छे अस्पताल बनाए जाए। वो लोग नहीं चाहते हैं कि वक्फ की जमीनों पर किसी गरीब मुसलमान का घर बने। वो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा गरीब मुसलमान को उनका हक और अधिकार मिले, बल्कि ये लोग हक और अधिकार छीनना चाहते हैं। चाहे वो देश का दलित हो, उसका हक अधिकार छीनने की बात ये लोग करते हैं क्रिमिनल ला करके। चाहे देश का मुसलमान हो, उसके लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल ला करके उसका अधिकार छीनने का बात करते हैं। चाहे वो देश का पिछड़ा हो, उसको आरक्षण का दायरा घटा करके ये लोग उसका हक मारने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी के हक और अधिकार को छीनने और मारने का काम करती है। इसी को लेकर जो चंद्रशेखर आजाद बयान दिया, आप उनसे एग्री करते हैं? पहली बात आप सम्मान पूर्वक नाम लीजिए, चंद्रशेखर रावण जी एक चुने हुए सांसद हैं नगीना लोकसभा से। आप मोदी जी के नाम के आगे मोदी जी लगाएंगे और चंद्रशेखर रावण जी के नाम के आगे चंद्रशेखर रावण क्यों? क्योंकि वो सिर्फ दलित समाज से आते हैं। एक मिनट और दो मिनट नहीं, चंद्रशेखर जी एक दलित समाज से आते हैं, इसलिए आप उनके नाम के आगे जी नहीं लगाएंगे और मानो के नाम के आगे आप जी लगाएंगे। अमितेश पांडे सवर्ण है, इसलिए आप अमितेश पांडे के नाम के आगे अमितेश जी बोलेंगे और चंद्रशेखर जी के नाम के आगे चंद्रशेखर बोलेंगे। ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक सही है, कहाँ तक उचित है? नहीं, अमितेश जी नहीं, एक मिनट और दो मिनट नहीं, दो मिनट हम आपसे मिलना चाहेंगे। कैमरा बंद होने के लिए दो मिनट हम आपसे मिलेंगे। नाम गलत प्रोनाउंसिएशन किया है क्या? चंद्रशेखर आजाद का नाम, और आप जो कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, सिर्फ चंद्रशेखर आजाद है, रावण नहीं है, इसके लिए आप माफी मांग चंद्रशेखर आजाद मांगे तो कमेंट बॉक्स। चंद्रशेखर रावण उनका नाम नहीं है, रावण बिल्कुल भी नहीं है। आप कहीं सर्च आपको नहीं पता है, छोड़िए सब, लेकिन ठीक है, ठीक है, इस बात को छोड़िए, नाम को जो भी है, मुद्दे पे आते हैं। जो उन्होंने जो आप जो है आप हम बताएंगे, हमें छोड़िए, देखने वाले बताएंगे। ये पत्रकार नाम के आगे जी किनके लगाएगा? जीतनराम मांझी जी के नाम के आगे जी लगाएगा, जो भाजपा के साथ मिले हुए हैं और कहने की क्रिमिनल ठीक है। ऐसे ऐसे पत्रकारों से देश को खतरा है। वो चिराग पासवान जो इतना इतना तक बद्धी बांधे रहता है, उसके बारे में ये लोग बढ़िया बढ़िया बात बोलेंगे। चिराग पासवान क्या बन पाएंगे बिहार के सीएम? 5 में से 5 सीटें जीत ली उन्होंने, मोदी के हनुमान जो, जो, अरे दलाल जो, पत्रकार जो, जो, जो एक मिनट और दो मिनट जो हमारा चैनल देखता है उसको पता है कि जीतनराम मांझी जी के बारे में कुछ बोल रहे हैं। जीतनराम मांझी जी, अच्छा एक मिनट, आपका चैनल जो देखता है मैं उन्हीं लोगों से पूछूंगा। जीतनराम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता हैं बिहार के,
वो भारतीय जनता पार्टी के साथ इस क्रिमिलियर वाले कोटे के अंदर कोटा वाले मुद्दे पे साथ है, क्या ये सही है या गलत है बताने का काम आप बताइए। सही है गलत है? गलत है। जीतन मांझी को नहीं रहना चाहिए उनके साथ, मांझी जी ये गलत काम कर रहे हैं उनके साथ। हमारे अनुसार जो चंद्रशेखर आजाद ने वक्फ बोर्ड बिल पे जो बयान दिया है उसके साथ आप है तो पूरा मतलब की एक तरह से दो भागों में बंटता हुआ नजर आ रहा है, कैसे देखते हैं उनके? क्या दो भाग में बंटता हुआ? देश दो भागों में बंटता हुआ नजर आ रहा है, एक पक्ष बिल्कुल साथ जा रहा है जो बड़े बड़े आंदोलनों की। आप बात को नहीं समझ पा रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जी देश को जोड़ने का बात कर रहे हैं, देश को एक साथ एक सूत्र में पिरो करके काम करने का बात कर रहे हैं, वो कोई तोड़ने उड़ने की बात नहीं करते। तोड़ने का अगर कोई बात करता तो वो भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की बात करती है, इस बात को समझने की जरूरत है। चंद्रशेखर आजाद, इस नाम को आप लोग समझ रहे हैं अच्छे से, एक चंद्रशेखर आजाद जी हुए थे वो जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। बिल्कुल बिल्कुल, अंग्रेजों के। और एक चंद्रशेखर आजाद जी ये हैं, तो आप समझिए तो इनके नाम नहीं चंद्रशेखर लगा हो उनके बारे में कुछ भी तो बोलना। लगता कि ये लोग अंग्रेज हैं जो सत्ता में बैठे जिनके खिलाफ ये लड़ाई। अंग्रेज हैं या नहीं है, लेकिन संघरेज तो जरूर है, संघी है ये लोग, हाफ पेंट वाले लोग हैं जिन्होंने भाजपा के जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली करी थी। संघरेज हैं। संघरेज के खिलाफ ये वाले चंद्रशेखर आजाद लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये वाले चंद्रशेखर आजाद लड़ाई लड़ रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ वो चंद्रशेखर आजाद लड़े थे और इन संघरेजों के खिलाफ ये चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं। चोर गोरों से वो चंद्रशेखर आजाद लड़े थे और चोरों से ये चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं। आज मोहम्मद जो पैगंबर साहब है उनका जन्म दिवस भी है, इसको लेकर के कैसे देखते हैं थोड़े वक्फ बोर्ड पे? देखिए, मैं सबसे पहले अपने देश के तमाम अहले वतन को ईद मिलाद उन नबी की दिली मुबारकबाद देना चाहूंगा और आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग चिंता न करें, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा इस पे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड देश के मुसलमानों का अधिकार है, उनका हक है और इसको हम लोग वापस लेकर के रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि वक्फ की जमीनों को हड़प करके भारतीय जनता पार्टी अडानी और अंबानी में बांटना चाहती है, इस बात को समझने की जरूरत है। अंबानी साहब का जो मकान है एंटीलिया, आपको भी पता होगा वो वक्फ की जमीन पे है, सिर्फ और सिर्फ एंटीलिया को बचाने के लिए काम किया जा रहा है, अडानी को ये जमीन देने के लिए ये काम किया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी एक कार्यक्रम लाए थे छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल में, गए थे और एक पेड़ लगाए थे, कहे थे एक पेड़ माँ के नाम और पूरा हसदेव जंगल अडानी के नाम। हसदेव जंगल धू धू करके जल रहा है, उसे काटा जा रहा है लगातार और सारा जमीन अडानी को दान दिया जा रहा है, इस बात के बारे में आपको जानकारी है। वही होने वाला है वक्फ की जमीन के साथ, वो अडानी को दिया जाएगा, वो अंबानी को दिया जाएगा, वो उस पर जय शाह राज करेगा, जय शाह उस पर अपना महल बनाएगा। एक आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, मेरा फिर बता दे रहा हूं मैं पहले कि मेरा कोई जात पात फैलाने का इरादा नहीं है, लेकिन एक सुधांशु त्रिवेदी है बीजेपी के प्रवक्ता है, वो तो इसके फेवर में बात कर रहे हैं, आप भी उनके समाज से आते हैं। पार्टी कौन सी है उनकी? बीजेपी। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, अमितेश पांडे भाजपाइयों से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है, चाहे वो हमारे समाज का हो, आपके समाज का हो या किसी भी समाज का हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की न कोई विचारधारा रही है कभी, न कोई वास्तविकता रही है उनकी, न उनकी सोचने समझने की कोई क्षमता रही है, इस बात को समझने की जरूरत है। अच्छा ठीक है, लास्ट में एक क्वेश्चन है कि जो गोल्डन दास हैं बिहार की जेलों में अभी भी बंद है सलाखों के पीछे, गोल्डन दास बिहार के युवाओं के लिए क्रांति लाने का काम कर रहा है, गोल्डन दास बिहार के युवाओं की शान है, गोल्डन दास को फंसाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और गोल्डन दास तुम डरना मत, बिहार साथ है उनके, बिहार उनके साथ है, पूरे बिहार का युवा उनके साथ है, इस बात को समझने की जरूरत है। गोल्डन दास वो व्यक्ति है जो अकेला जाकर किसी भी भिड़ जाता है, चाहे कोई उनके पीछे हो या ना हो, चाहे कोई उनके साथ खड़ा हो या ना हो, तो इसलिए मैं गोल्डन दास के साथ हूँ और गोल्डन दास को देख करके पूरे बिहार के युवा आपसे इंस्पायर हैं। उनकी रिहाई को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या उनकी रिहाई हो पाएगी बिहार चुनाव से पहले? गोल्डन दास जी को रिहा कर देना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, गोल्डन दास बिहार का शेर है और गोल्डन दास असली सन ऑफ बिहार है, असली सन ऑफ बिहार, और गोल्डन दास को जल्दी से छोड़ देना चाहिए और ससम्मान पूर्वक उनका सम्मान भी करना चाहिए लोगों को, जैसे ही वो जेल से निकले मैं कहूंगा कि उनका सम्मान हो। बहुत बहुत धन्यवाद।